इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेरा दुबई के बीच का एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता ही रहता हूं। हाय गाइस, मेरा नाम हैरिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पास्ट पेज स्टोरी वाइज। तो कहाँ जा रहे हैं हम? जा रहे हैं अंजना बीच। तो यहाँ पे अंजना बीच नहीं है, यहाँ है पाम जुमेरा। तो पाम जुमेरा जा रहे हैं, वहाँ पे एक बीच है, उस बीच का नाम है बीच भी है काफी अच्छा, वहाँ पे एक अच्छी होटल भी है। इसके अंदर कपड़े ले लिए, उसके बाद जाएंगे हम ग्लोबल विलेज, लेकिन वो अलग लोग ही अलग लोग जाएंगे मेट्रो में। रिकॉर्डिंग चालू नहीं, रिकॉर्डिंग चालू चालू। तो यहाँ जाएंगे पहले मेट्रो, मेट्रो से बस से पाम जुमेरा, और वहीं मिलते हैं फिर आपको। यहाँ से जो पाम जुमेरा है वो है काफी दूर, तो हम पहले जाएंगे यहाँ से मेट्रो में। मेट्रो छोड़ेगी कहीं यहाँ से 6 स्टॉप दूर, और 6 स्टॉप दूर हमें मिलेगी वहां से बस, और बस छोड़ेगी हमें बुर्ज अल अरब होटल, बुर्ज अल अरब के बाहर, और वहां से फिर हम जाएंगे मैनमेड आइलैंड पे, बीचेस पे। तो ये वजह भी लिफ्ट रोक रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज लिफ्ट रोकने का ही है। सबसे मेन काम यहाँ पे कि हम लिफ्ट रोक पाए जल्दी से जल्दी। 52, 53, 55 जल्दी आया, 65 पे है हम। तो 65 पे हमें यहाँ जाना है, 0 पे तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे जाने में। बैठ गए हैं यहाँ की बस में, तो अगर बस का बताऊँ तो आपको ज़्यादा कोई वेट नहीं कराती। अगर आप मेट्रो स्टेशन निकलोगे तो हर 5 या 10 मिनट बस आती है। ये जो बस है, ये बस है बस नंबर 81, और ये है मुख्तारी की वाइल्ड वादी के नाम की जगह है, और वहाँ से 600 मीटर की वॉक पे आपको पाम अटलांटिस और ये बुर्ज अल अरब होटल वगैरह आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो बस अभी वहीं जा रहे हैं, और यहाँ भी जो अपना नॉर्थ गार्ड है यानी मेट्रो गाड़ी आपको बस में भी चलता था। मतलब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे, बस में उतरे अब कहाँ चल रहे हैं अपन? पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, कहाँ लिख नहीं। मैं अपने हमारे टूर गाइड से पूछता हूँ, तो आप किसका सहारा ले रहे हैं बिना नेट के? अभी हमने ऑफलाइन मैप सेव कर लिया है मैप में, अब हम जा रहे हैं बुर्ज अल अरब होटल जो बीच है ना वहाँ जा रहे हैं। अभी हम उतरे वाइल्ड वादी टू, मतलब वाइल्ड वादी है ये, पर वाइल्ड लग नहीं रही। 500 मीटर का वॉक है, चलो यार। तो 500 मीटर की वॉक है यहाँ से, और फिर हम पहुँच जाएंगे हमारी डेस्टिनेशन बुर्ज अल अरब। तो इजीली आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, कुछ ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 40 से 45 मिनट लगे होंगे रास्ते में, और सारा बैठ के आए हैं, कोई खड़े होकर नहीं आए, मेट्रो में भी बस में भी। तो गाइस शायद आपको ये सामने दिख रहा होगा बीच, अभी यहाँ से दिख रहा है, आगे जाके दिखाता हूँ आपको। ये पूरी लेन है, यहाँ से हम पैदल चल के आए हैं। बाद हम आ चुके हैं, तो हम आ गए हैं बुर्ज अल अरब बीच पे, और आप बस देखो बात ऐसी है कि इस बीच पे आना पूरा वर्कफुल है। मैं बताता हूँ आपको यहाँ है क्या, जैसे ही आप यहाँ मेट्रो से उतरोगे आपको रेड बस मिल जाएगी, बस उतरेगी आप, बस उतरेगी आपको वाइल्ड वादी नाम की, वहाँ से आपको 500 मीटर चल जाना है। जैसे आप अंदर आओगे और आपको मिलेगा ऐसा नज़ारा जो कि। तो मुझे ये बीच इंडिया के बीच से कैसे अलग है, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हवा चल रही है, वो उसका एक्सपीरियंस जो है हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम एनवायरनमेंट देख रहे हैं, जो इसकी लहरें हैं ना वो शायद इंडिया के बीच से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बड़ी है। और तो पानी कितना, मतलब कलर अगर आप देखें वहाँ ब्लैक कलर होता है पानी का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट, मतलब बिल्कुल साफ पानी है, लाइक इस टाइप का बिल्कुल साफ पानी है, मतलब यहाँ पे कोई गंदगी ऐसी नहीं लग रही। तो आप कह सकते हैं आज ब्लू है, पानी 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 वाला सॉन्ग आज कर रहा है बिल्कुल पानी।